देश बांग्लादेश में बवाल को लेकर हमारी सहयोगी कंचन कनौजिया ने बांग्लादेश के उच्च आयोग की बाहर के हालातों का जायजा लिया, एक बार वो भी देख लेते हैं। बांग्लादेश में पिछले दो महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बाद आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी बहन रेहाना के साथ सेना विमान से उड़कर भारत के अगरतला पहुंच चुकी है। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है बांग्लादेश उच्च आयोग पर, जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें, आज जो बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं, इसकी वजह 5 जून 2024 को हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और अन्य को 56% कोटा देने को कहा था, उसके खिलाफ ये जो प्रदर्शन पिछले दो महीने से ढाका में किया जा रहा है, इस आरक्षण के विरोध में किया जा रहा है। आपको बता दें, आज के विरोध में वहां की कुछ तस्वीरें इस प्रकार की निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के निर्माता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया है। तमाम जानकारी और वीडियोस के द्वारा ये जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, कहा जा रहा है कि भारत समर्थक शेख हसीना जो है भारत पहुंच चुकी है और अब यहां से वो दिल्ली पहुंचकर लंदन की उड़ान भरने वाली है। तमाम जानकारी के बाद ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश उच्च आयोग पर आज जो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है उसको देखते हुए वो इसलिए कड़ी की गई है ताकि बांग्लादेश समर्थक जो हिंदुस्तान में भारत में जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँच कर कुछ प्रदर्शन करना ना शुरू कर दे। उन सभी को देखते हुए आज यहाँ पर बांग्लादेश उच्च आयोग के बाहर जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बीएसएफ जवान जो है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पूरी मुस्तैदी से तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार का जो है असुरक्षा और किसी भी प्रकार की जो सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो सके। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कंचन, न्यूज इंडिया।